नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश साय का सेवा संकल्प में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार लगातार प्रदेशवासियों के हित में फैसले ले रही है। साय सरकार ने किसानों की भलाई के लिए बड़ा फैसला लिया। साय सरकार ने प्रदेश के किसानों को 10,000 रुपये सालाना देने का फैसला किया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना नाम की इस योजना से प्रदेश के किसानों में हर्ष की लहर है, तो पूरे प्रदेश के किसानों ने इस योजना के लिए साय सरकार का आभार भी जताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने कम समय में ही राज्य के किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए। इससे राज्य में खेती किसानों को नया संबल मिला और किसान बेहतर खुश भी नजर आते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और ये धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कम समय में ही किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। इससे राज्य में खेती किसानी को नया संबल मिला है। किसान बेहद खुश है। खेती किसानी छत्तीसगढ़ के लोगों की आजीविका का साधन होने के साथ साथ यहाँ की संस्कृति में भी रची बसी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई सरकार ने गारंटी पर अमल करते हुए छत्तीसगढ़ में कृषि और किसानों की उन्नति के लिए तत्परता के साथ अनेक कदम उठाए हैं। धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ किसानों को धान की सबसे ज्यादा कीमत मिलने के लिए भी जाना जाता है। नई सरकार ने छत्तीसगढ़ की ताकत को और मजबूत करने के लिए बजट में अनेक प्रावधान किए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य के कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता के लिए 500 करोड़ के बजट आवंटन की घोषणा की थी। योजना का नाम दिया गया दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। बजट में कहा गया कि इस योजना के माध्यम से कृषि मजदूरों को आर्थिक संबल प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाएगा। योजना के जरिए कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता का लाभ मिल रहा है। सरकार की तरफ से भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए हर साल मिलने की घोषणा भी हुई है और इस पर अमल भी शुरू हो गया है। साय सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली ये आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जा रही है। राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूर इस योजना का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ रहा है। योजना का लाभ महिला और पुरुषों दोनों को ही मिल रहा है। साय सरकार की इस योजना से कृषि मजदूर आत्मनिर्भर और सशक्त बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों और भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ है। कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए समन्वित प्रयास पर साय सरकार का फोकस है। चालू वित्तीय वर्ष में कृषि बजट 33% की वृद्धि करते हुए 13,435 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। किसानों को सहकारी और ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8,500 करोड़ रुपए की साख सीमा तय की गई है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना 2024 के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए का वार्षिक भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBD के माध्यम से भेजी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। साय सरकार ने इस योजना को पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक कृषि मजदूरों को इस योजना का लाभ मुहैया कराया जा सके। इस आर्थिक सहायता राशि का उपयोग कर कृषि मजदूर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये योजना राज्य के कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना से लाभ हासिल कर कृषि मजदूर आत्मनिर्भर और सशक्त होंगे। किसानों का ये मानना है कि राज्य सरकार के अब तक के फैसलों से
ये स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार किसानों की हितैषी है। खेती किसानी ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कृषि के क्षेत्र में संपन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनने का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कुछ ही समय में किसानों के हित में फैसले लिए हैं। फैसलों से अन्नदाताओं में खुशी की लहर है, उनके चेहरे खिल गए हैं और मन में एक नई उम्मीद जागी है। किसानों संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने ये सोचा नहीं था कि विष्णुदेव साय सरकार इतनी तेजी से फैसला लेकर उसे लागू भी कर देगी। किसानों के हित से जुड़े हुए मामलों को जिस तेजी से छत्तीसगढ़ सरकार ने अमल में लाया है, इसके अन्नदाता तारीफ कर रहे हैं। साय सरकार ने गरीब, पिछड़े, आदिवासी और किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसानों का मानना है कि राज्य सरकार के अब तक के फैसलों से ये स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार किसानों की हितैषी है। कृषि क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कृषि एवं सहायक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु समन्वित प्रयास किया जाएगा। कृषि विभाग के बजट में विगत वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि करते हुए कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। योगी योजना है निश्चित रूप से, इस काफी दिनों से, और जब भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार में थी और विधानसभा लोकसभा में जिस तरीके से हमारे मतदाताओं ने और पूरे छत्तीसगढ़ के उन्होंने जो इसने आशीर्वाद दिया है उसके परिणाम स्वरूप ये इस दृष्टि को लेकर के कई बार बहुत बातें होती रही हैं। कांग्रेस ने भी इस विषय पर बहुत लंबी लंबी बात की और एक इंच काम नहीं किया उस पर। भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील मुख्यमंत्री है और निश्चित रूप से इसके बहुत सार्थक और अच्छे परिणाम होंगे। बहुत बड़ी संख्या में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं जो कि कृषि पर आधारित है। कृषि का कार्य दूसरे किसानों के यहाँ जाकर ये कृषि का कार्य करते हैं। ऐसे मजदूरों को, चूँकि वो उनकी दिहाड़ी मजदूरी उनको मिलती है, लेकिन सरकार उनको सम्मानित करने का काम, चूँकि किसान कृषि मजदूर हैं, वो उनके मन में ये भाव नहीं आया कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। उनकी आजीविका, उनका जीवन स्तर को और बेहतर बनाने के लिए, उनको सम्मान से समाज में समरसता लाने के लिए उन्हें जो 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। उससे कृषि मजदूरों में एक नई ऊर्जा आएगा, उनको सरकार से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है। देश के किसी भी राज्य में इतने संसाधन और क्षमता नहीं है। साय सरकार इस बात को समझती है। साय सरकार ने अपने फैसलों से ये साबित कर दिया है कि सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता में गरीब, आदिवासी, महिलाएं और किसान हैं। हर योजना के पीछे इस बात को जांचा जा रहा है कि इससे लक्षित वर्ग तक किस तरह से फायदा पहुंचेगा। किसान को हमेशा से ही मौसम और हालात की मार झेलनी पड़ती है, इस बात को साय सरकार ने भी समझा है। संवेदनशील साय सरकार के कामकाज में भी ये बात झलकती है कि हर योजना को क्रियान्वित करने के पहले उसे बारीकी से परखा जाता है। योजना के परिणाम का भी समय समय पर सरकार और प्रशासनिक तंत्र के द्वारा फीडबैक लिया जाता है। किसान को हमेशा से मौसम की मार को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है। किसान को इसके अलावा फसल की कीट जंतुओं से रक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता है। उसे फसल तैयार होने पर सही दाम मिलने की चिंता भी रहती है। साय सरकार ने हर स्तर पर किसानों की तकलीफ को समझा है। इन्हीं सभी बातों को महसूस करते हुए साय सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर दिया है। किसान मजबूत और आर्थिक रूप से सशक्त होगा तो प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस बड़े सच को साय सरकार ने बखूबी समझा है। साय सरकार ये बखूबी समझती है कि अगर योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण और कृषि विकास के लिए काम किया जाए तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। साय सरकार सभी समाजों और वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है, लेकिन उसका विशेष फोकस कृषि और किसान पर है। कम समय में तय किए गए लक्ष्य का ही नतीजा है कि साय सरकार की योजना से अन्नदाता किसान भी खुश है। साय सरकार ने प्राथमिकता के साथ 3100 रुपए में धान खरीदी, 2 साल का धान का बकाया बोनस,
किसानों को देने का वादा भी पूरा किया। इसके अलावा प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि यंत्रों में सब्सिडी और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन से किसानों को लाभ मिल रहा है। एक संवेदनशील सरकार होने की छवि को साय सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। किसानों का दुख दर्द समझने वाली साय सरकार के हर फैसले का अन्नदाता ने स्वागत किया है। हर साल मिलने वाली 10,000 की राशि से किसानों को राहत पहुंच रही है। योजना को शुरू हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, ऐसे में अन्नदाता किसान का सरकार की योजनाओं को पूरा समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INews 24/7। लोकप्रिय विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ के भूमिहीन किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया। साय सरकार ने दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया, जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को सरकार हर साल 10,000 रुपए देने जा रही है। साय सरकार के इस फैसले के बाद कृषि मजदूरों में उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार के फैसलों से ये साफ हो गया कि प्रदेश की सरकार जन हितैषी और किसान हितैषी है। साय सरकार इस बात को मानती है कि कृषि के क्षेत्र में संपन्नता आने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ का विकसित राज्य बनने का सपना भी साकार होगा। साय सरकार के इस फैसले के बाद अब सारंगढ़ और बिलाईगढ़ के किसानों में खुशी की लहर है। ये तो बहुत खुशी के बात है, सालाना 6,000 देत रहीस, अभी 10,000 मिली तो गरीब मन के बहुत अभी उत्थान होही, आगे बढ़ी। एकल से और अच्छा बात हम सरकार लगा धन्यवाद देबो, ये बहुत अच्छा बात है। आर्थिक स्थिति में सुधार होके गरीब मन आगे बढ़ी, ये बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम करत है, ओला धन्यवाद देबर चाहत हम। बहुत खुशी है नमन, ये बात ला सुनें तो हमला बहुत खुशी लगत है। काबर हमन सोर पाए रहन कि जो भूमि हन पैसा पात रहन 5-6 हज़ार पात रहन, तो अभी 10,000 जब पात हन तो हमर किस्मत बदल जाही, हमर गरीबी भी दूर हो जाही। अब एक ठी बात है, हम तो सुगवासी गरीब आदमी हन, मोर बेटी ला तो दे हाँ तो मोर बेटी भी कहत रहीस कि ये पिताजी वो पैसा तो नहीं मिले 5-6 हज़ार, आप किसे करके चलिए कहत रहीस। तो अभी 10,000 जब पाबो तो मोर बेटी जब सुर पाही तो ओह बहुत खुशी हुई, सुधार बहुत ज़्यादा हो जाए हमर सुधार। 5-6 हज़ार में से चलत रहें तो अभी 10,000 पा जाबो तो धन्य जीव सरकार, धन्य विष्णुदेव साहब, हमर गरीब भूमिहीन प्रति बहुत विचार करें। बहुत खुशी की बात है कि आज बीजेपी सरकार ने घोषणा किया है कि भूमिहीन लोगों को 10,000 रुपया देने के, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और संकल्प लिया है कि सबको देने के लिए वादा किया है, ये बहुत खुशी की बात है। और दूसरे पार्टी तो अफवाह कर रहे थे कि नहीं मिल नहीं देगा बीजेपी करके, लेकिन आज वादा हो गया, संकल्प हो गया है कि 10,000 रुपया देने का, बहुत खुशी की बात है। लाभ बढ़िया हो ही, उन्नति हो ही और दिन प्रतिदिन आगे बढ़त जाएगी। खुशी है तुम्हारा 10,000 रुपये सालाना दी? हाँ जी खुशी है। का आर्थिक स्थिति का सुधर है? आर्थिक स्थिति बहुत सुधर जाएगी, जो ना आगू वो बढ़ा जब तो बढ़ते जाएगी। हितग्राहियों का मानना है कि सालाना 10,000 रुपए मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और इसके साथ ही इस जनहितकारी फैसले के लिए सभी ने साय सरकार का आभार व्यक्त किया है। बढ़िया आएगा हमारा दे 6,000 पात्र तो 10,000 मालिक बढ़िया आएगा, देख खुशी की बात है हमार। और गरीब आदमी का काय रथी तो अभी देख तो वो फंडा देख के हमका चिन्हा करते हैं, हम तो इसे सिरा जा सर का कछु। 10,000 मिली बढ़िया खुशी है? हाँ बढ़िया खुशी है। हाँ खुशी है, खुशी है बाबा। क्या लाभ मिली तुम लाभ 10,000? हाँ सब मिली हमारा, क्या कहते हैं सियान शरीर सूजी गोली, हम कमान कुठान नहीं सकन, और किसे करबो नहीं। तो तुम 10,000 रुपये मिली सरकार दी तो बढ़िया खुशी है तुम? हाँ हाँ खुशी हन।
विष्णुदेव साय सरकार के फैसलों को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। सालाना 10,000 रुपए मिलने की घोषणा के बाद भूमिहीन कृषि मजदूरों को पूरा भरोसा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार ने अपने प्रयासों से प्रदेश के भूमिहीन किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। बलौदाबाजार जिले के कस्टोल विकासखंड में इस योजना ने भूमिहीन किसानों के लिए संजीवनी बूटी जैसा असर किया। आइए जानते हैं कि क्या असर किया है इस योजना ने। मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे ये है बुधराम मानिकपुरी। बुधराम मानिकपुरी को भी विष्णुदेव साय सरकार की दीनदयाल कृषि मजदूर कल्याण योजना से काफी फायदा पहुंचा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी अपनी खुद की खेती की जमीन नहीं है। ऐसे में इन लोगों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट है। नियमित रूप से रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जीवन स्तर भी काफी नीचे था। मोदी सरकार की इस पहल से लोगों के जीवन में अब परिवर्तन आ रहा है और 10,000 रुपए सालाना मिलने की बात सुनकर ऐसे ग्रामीण सरकार को दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। अभी ना ये मतलब तो एक एक दुख किस्त पा रहे हैं, अब बंद हो गए। 10,000 सुने हैं, अब मिल ही के बहुत हमें सुधार हो जाए। थोड़ा बहुत लोग लेकर के और कहीं कुछ नून पुर तेल फूल चल जा मोर, ऐसे सोच के हमन आशा लगाए हूँ घलाक। और ये सरकार है लद्दे दी तो बहुत धन्यवाद मोर को तिले एक से सगे बहुत हो जाए, हमन के थोकन सहायता हो जाए। बहुत थोड़ा बहुत हमार घर द्वार के खर्चा पानी नून तेल साग सब्जी चल जाही। ये राशि 10,000 बढ़ा दी तो अगर मिल जाए तो हमन ला बहुत धन्यवाद हमन के सरकार के। छत्तीसगढ़ में अब कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना मिल रहा है जबकि पहले केवल 7,000 रुपए ही सालाना मिलते थे। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 7,000 रुपए सालाना दिए जाने का प्रावधान था, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ बीजेपी के विष्णुदेव साय सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना कर दिया। विष्णुदेव साय सरकार ने इस योजना का सिर्फ नाम ही नहीं बदला बल्कि इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को भी बढ़ाकर 10,000 रुपए सालाना कर दिया है। 10,000 रुपए सालाना मिलने से अब ग्राम पंचायत छरछेद में रहने वाली ताराबाई बारले जो रोजी मजदूरी कर जीवन यापन करती हैं, ताराबाई कहती हैं कि सरकार की इस योजना से अब तो गांव में रोजी मजदूरी करने के अलावा इस धनराशि से वो गांव में छोटा मोटा काम भी कर सकती हैं, जिससे उनके घर में अतिरिक्त आमदनी हो सके। मतलब 3 किस्तों 3 बार मिले हैं, 2,000। अच्छा, कितना राशि मिला था इस पहले आप मतलब? 6,000 मिला था उसे। मतलब बहुत सहयोग हुई ओकर से, हमर ना खेती खार नहीं है कुछ नहीं है तेकर से हमला मतलब ये खेती किस मतलब कुछ कही रोजी मजदूरी करथन तेकर से हमार घर के खर्चा वर्चा चली, चाहे कुछ काम धंधा शुरू कर सका था ओकर से और कुछ भी कर सका था, हमार घर के खर्चा थोड़ा सहयोग हुई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने भूमिहीन किसानों के पक्ष में वादा किया था कि सरकार बनने पर भूमिहीन किसानों को सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के शपथ के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा पत्र में शामिल वादों को पूरा किया और इस योजना को अमली जामा पहनाते हुए इस पर मुहर लगा दी है। 10,000 रुपए सालाना मिलने की बात पर अब किसान खुश हैं। इस राशि को बच्चों की पढ़ाई में भी लगाने की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है,
हमारे लिए जो गरीब गुजारा हन तेकर लिए अच्छा बात है। हम तो मजदूर आदमी हन, यही रापा चला के पेट चला थन। वो 10,000 रुपये दही बढ़िया, धन्यवाद है सरकार ला हमारे तरफ से। जो भी हो लोग लेकर पढ़ाई है सही है, जो भी करना है वे करबो। कुछ वही हमन के जैसे अभी अब मजदूरी करा था ना, मन मजदूरी तो हाथ मार दीजिए कि अब लोग लेके मन पढ़े नहीं तो वहाँ बहुत कुछ राशि मिल जाए वहाँ तो वहाँ पढ़ा भी सकत हन, ओकर साथ में कुछ भी कर सकत हन, धंधा वंधा है घर कुड़िया है, थोड़ा से सहयोग राशि मिलत से वहाँ बहुत अच्छा से हो सकते है। चलत है अभी जैसे मजदूरी से है तो वहाँ कुछ मिल जाए थोड़ा बदलाव हो सकत है। अब बहुत अच्छा चीज है वह रखे थे पछतावल अपन और मिली बहुत अच्छा है वह। निश्चित ही हमारे ग्राम पंचायत छरछेद में लगभग 45 व्यक्ति ला भूमि कृषि मजदूर के लाभ मिला हवा और अभी नवा सरकार आए है वो हर 10,000 के घोषणा करे हवा। निश्चित ही हमारे गांव के जो मजदूर हवा वो मन ला इकर लाभ मिली और वो मन अपन आर्थिक स्थिति सुधारे में बहुत ही महत्व योगदान मिली। काबर लोग लैका है कि मतलब पढ़ाना लिखाना है और घर के खर्चा चलाए में बिल्कुल सहयोग मिली। निश्चित ही बहुत सहयोग मिली और मजदूर व्यक्ति मन बहुत खुश हवा कि हमला 10,000 रुपया भूमिहीन कृषि मजदूर के अंतर्गत मिली और मैं सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हवा, बहुत अच्छा कार्य करत हवा ओकर लिए सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। सालाना 10,000 रुपये मिलने के बाद गरीबी में किसी तरह जीवन जी रहे इस वर्ग को निश्चित ही राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार समाज के हर वर्ग की फिक्र कर रही है और जीवन स्तर में सुधार हो सके इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। डेविड साई, INH न्यूज, कसडोल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।